नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। नित्य न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं बिहार की कुछ खास खबरों पर। आपको बता दें, शेरघाटी उपकारा जेल में सुशील कुमार गुप्ता का विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, शेरघाटी उपकारा जेल में सुशील कुमार गुप्ता को सोमवार को जेल परिसर में संध्या के समय विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस मौके पर जेल अधीक्षक आशीष कुमार रंजन ने बुकें देकर विदाई की। जेल अधीक्षक ने कहा कि इनके कार्य पर बहुत ही अच्छी कार्यशैली रही है। आपको बता दें, इनके साथ काम करने में मुझे पता ही नहीं चला कि कम कर रहे हैं या नहीं। इस मौके पर शेरघाटी के रॉयल इंडिया के मालिक संजय सिंह, अरविंद सिंह, जय कुमार गिरी आदि लोग उपस्थित रहे। शेरघाटी से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। और हमारे बीच यहाँ मौजूद डॉक्टर हिदायतुल्ला पालवी साहब सर, जेल के सुप्रिंटेंडेंट आशीष रंजन जी और हमसे विदा ले रहे जेलर सुशील गुप्ता जी और बाकी तमाम अतिथि लोग। तो बड़ा मार्मिक क्षण होता है, जैसा मैं बता रहा था आपको कि हमारे बीच एक अधिकारी जब आते हैं तो एक पुलिस हो या अपनी ड्यूटी पे किसी भी पद पे वो आसीन हो तो अपनी ड्यूटी को जितनी ईमानदारी और कर्तव्य के साथ निर्वहन करते हैं तो उसके साथ भी कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी एक इंसान होते हैं। पहले वो एक व्यक्ति होते हैं, हमारे समाज के बीच से आने वाले लोग होते हैं, तो अपने कार्यशैली से, अपने व्यवहार से जो एक रिश्ता कायम करते हैं ड्यूटी के बाद भी स्थानीय लोगों से, आसपास के जहां वो काज कर रहे हैं अधीनस्थ उनके बीच में अपनी जो पहचान बनाते हैं। बहुत अच्छे है सर, बहुत अच्छे है। भूला तो जा नहीं सकता है और हर समय हमारे जेल में पड़ती सबका बहुत बढ़िया विचार और भाव हमेशा बना हुआ रहा, कभी भी पीछे नहीं। जहां जिसको बोला गया और जहां से बुलाया गया तुरंत, मतलब हमारे घर से लोग नहीं आ पाए लेकिन यहां बगल के लोग तुरंत मौजूद हो गया, किसी भी जो भी हो जैसा भी हो। चलिए धन्यवाद इसके लिए। हमारे जगत साहब गुप्ता जी, बाकी सभी मित्र बंधु, मैं जब आया था तो फ्रेश था, मुझे लगा कि ट्रेनिंग सेंटर में मुझे एक बच्चे के रूप में देखा जाता था, वहाँ पे जा पाओ जाएगा तो किस तरह से ये संभालेगा। लेकिन मैं यहाँ जब आया तो जैसा भी कि अभिभावक के रूप में हमेशा मेरा साथ दिया। और ट्रेनिंग में तो कहा जाता था कि यहाँ पे कुछ भी पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे नहीं समझ आएगा, चेयर पे जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन चेयर पे आने के बाद आपको एक सहयोगी की जरूरत है, उसकी भूमिका जिला साहब ने बखूबी निभाई। और अभी गिरी जी बोल रहे थे या प्रदीप गुप्ता जी, कि हम प्रदीप गुप्ता जी बोल रहे थे कि हम आप सेंट्रल जेल से रिटायर्ड हैं, तो मैं तो चाहता हूं कि जब मैं मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल पहुंचूं तो उसमें मेरे जेल गुप्ता जी। और एक बाकी जो कछवाल यहां से हमारे जा रहे हैं, तो जब मैं आया था फर्स्ट डे तो हमारे पूर्ववर्ती रक्षित हवलदार थे करुण झा जी, तो बोले कि सर हम लोग को बीच में टोकते रहिएगा नहीं तो हम लोग थोड़ा लीक से हट जाते हैं। तो मैं इतना विश्वास से कह सकता हूँ कि आप लोगों ने वो मौका मुझे दिया ही नहीं, मुझे कभी नहीं बोलना पड़ा तो आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से चलाया। आप जहाँ भी जाए इसी तरह से कर्मठ होकर कार्य करें, और जेल साहब से तो फिर मुलाकात होती रहेगी, बाकी लोगों से भी मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद। कार्य अवधि में बहुत सारे इन्होंने अपनी मेहनत करके आज तक जो हासिल किया है वो बहुत काबिले तारीफ है, और मेहनत में कभी इन्होंने पीछा नहीं हटा, हमेशा वहाँ से हम लोग भाईबंदी और आदेश तरह से भी काम इनसे करवाते रहे और कभी भी इन्होंने पीछे मुड़ना ही, खाना छोड़ छोड़ के काम इन्होंने करते रहा। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा और शुभकामनाएं रहेंगी इनकी अच्छी और इससे अच्छा बेहतर करें, और जहाँ भी रहें इस जगह को याद रखें, और जो भी पहला पोस्टिंग रहता है हमेशा जीवन में याद रहता है। तो मैं इतना ही कर रहा।